नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, इसके अलावा भी जो भी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना हिस्सा ले रहे हैं, अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। आज बात मध्य प्रदेश के 53वां जिला बने मऊगंज की। मऊगंज जिला बना, उस पर रीवा से अलग होने के बाद दो विधानसभा सीटें ऐसी थी जो मऊगंज जिले में शामिल हुई, उसमें मऊगंज और देवतलाव विधानसभा। आज बात करेंगे हम मऊगंज विधानसभा की। यह विधानसभा इसलिए भी खास हो जाती है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य प्रदीप पटेल 2018 में यहां से विधायक चुनकर आए, और यह सीट बहुजन के प्रभाव वाली सीट भी कही जाती है। तो इन तमाम राजनीतिक समीकरण को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अमित मिश्रा जी हैं। अमित जी, 2018 के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जीत मिली, प्रदीप पटेल यहाँ से विधायक बने, लेकिन 53वां जिला बना यहाँ मऊगंज, नया जिला रीवा से अलग होकर बना। राजनीतिक समीकरण अब कैसे बनने लगे, क्योंकि रीवा से अलग होकर नए जिले बन गया, बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है? देखिए, मऊगंज जिला बनने की जो ये कवायद है, ये बहुत लंबी लड़ाई थी। मऊगंज क्षेत्र की जनता ने, वहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस लड़ाई को लड़ा था, और हर बार ये रहा कि जैसे वहाँ पे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना लगातार ये दावा कर रहे थे कि उस लड़ाई को जनता से जोड़ने के लिए और तमाम बड़े जन आंदोलन उन्होंने खड़े किए। सुखेंद्र सिंह बन्ना को कहा भी जाता है कि वो आंदोलन की रूपरेखा और आंदोलन वाली जो उनकी छवि है, वो उनको कई बार बहुत सकारात्मक उन पर प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। मऊगंज जिला बनने का, जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। उसमें लक्ष्मण तिवारी और वहाँ के तमाम पुराने नेता भी इसमें रहे हैं, सबका इनिशिएटिव था कि भाई मऊगंज जिला बनना चाहिए। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी इस चीज़ को बहुत एग्रेसिव मोड में उठाते रहे, लेकिन वो हो नहीं पाया। यानी कि जब 2018 में सरकार बनी कांग्रेस की, तब भी ये मांग थी, क्योंकि वो उस बार चुनाव हार गए थे इसलिए उस तरह से बात नहीं रख पाए। फिर उनको उसके बाद भी उम्मीद थी, सरकार जाते जाते मैहर जिले की घोषणा हो गई, लेकिन मऊगंज रह गया था। मऊगंज बहुत बहुप्रतीक्षित एक मांग थी। अब जब चुनाव नज़दीक हैं, अब से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री बाकायदे मऊगंज आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि रहते हैं, और वहाँ पर यह ऐलान होता है कि 53वां जिला मऊगंज। जिला बनना किसी भी ऐसे क्षेत्र जहां से बहुत पिछड़ेपन की मार झेल रहा हो और उसे जिला बना दिया जाए, तो उसका नेचुरल एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, यानी कि उसका असर तो रहता है, और ये असर है, ये सबको समझ में आ रहा। देखिए, जिला बना दिया, उसके तुरंत बाद प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती हुई, और जब आप किसी भी एक, समझिए कि मुख्यालय मऊगंज से अगर सीधे पिपराही और वहां से अगर जोड़ा जाए तो कम से कम 150 किलोमीटर हो जाता था, और उसके बाद अब जब जिला बना तो उनका मुख्यालय मऊगंज हुआ, उनको सहूलियत और तमाम चीज़ें, जो क्षेत्र उसमें शामिल हुआ है, दो विधानसभा सीटें हैं आपने बताया, देवतलाव और मऊगंज। जिला बनने के बाद देखिए उसका एक नेचुरल असर दिखने लगा है, लोग ये समझने लगे कि अब तमाम कागजी कार्रवाई, कानूनी दावपेच सबके लिए मऊगंज में ही समाधान हो सकता है। लेकिन जब जिला बना, इसमें श्रेय लेने की जो होड़ मची, सुखेंद्र सिंह बन्ना पिछले दिनों आपके इंटरव्यू में कहा कि हम तमाम प्रयास किए, लक्ष्मण तिवारी भी यहाँ से विधायक थे, तब से वो मांग उठने लगी। अब जो श्रेय लेने की होड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम जनप्रतिनिधि, वो किसे मिलने का फायदा इसका? देखिए, अभी जिला बना बीजेपी शासनकाल में, विधायक भाजपा के थे, तो पहला क्रेडिट तो वही लेना चाहेंगे। जिला बनने की कवायद कितने सालों से चल रही थी, 15-20 साल से जो मांग उठ रही थी, उसमें किन लोगों की भूमिका थी, उनको किस तरह से दरकिनार किया गया? देखिए, सीधी सी बात है, चुनाव का मसला है। भाजपा का दावा है कि हमने बनाया, हमारे अप्रोच थे इसलिए बन गया। कांग्रेस तुरंत सुखेंद्र सिंह बन्ना ने क्या किया, एक बड़ी जनसभा की, प्रशस्ति पत्र वितरण किया, हजारों लोगों को इकट्ठा किया, प्रशस्ति पत्र दिलवाए और बताया कि ये इस जन आंदोलन में लगातार रहे, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 1,00,000 का हुजूम, मतलब इस तरह की वो लगातार जो एक्टिविटीज कर रहे थे। पर बीजेपी का दावा है कि हमने बनाया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की, इसलिए वो पहला क्रेडिट वो लेने की कोशिश करते हैं। देखिए,
जिला बनने का क्रेडिट किसे जाएगा ये 2023 के परिणाम भी निर्धारित करेंगे। अगर सीधी सी बात समझिए, अगर वहां पे इस तरह की चीजें हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो गया और ये जिला बना दिया, एक वाइबिलिटी होगी, बहुत तेजी से मऊगंज आगे बढ़ेगा, और भाजपा को अगर क्रेडिट जाता होगा तो आप 2023 का परिणाम उनके पक्ष में हो सकता है। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ बात है और ये सोच लिया है कि नहीं बदलना है या इस तरह की कोई चीज है, तो हो सकता है ये मसला थोड़ा सा धीरे पड़ जाए, जिला बनने की बात उतनी ना हो और फिर परिवर्तन के साथ लोग चले जाए। मृगेंद्र सिंह 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में थे, बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने 28,000 से अधिक वोट पाई। अब वो भारतीय जनता पार्टी में, एक चुनौती प्रदीप पटेल के लिए क्योंकि वो भी दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम आरोप भी लगे विधायक के ऊपर, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि प्रदीप पटेल की टिकट काट कर भारतीय जनता पार्टी मृगेंद्र सिंह को उम्मीदवार वहां से बना दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय क्या कर जाएगी, कब कर जाएगी, इसका कोई अंदेशा किसी को नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि राज्य के नेतृत्व को पता ही नहीं चल रहा और फैसले सब कुछ ऊपर से हो जा रहे हैं। कोर ग्रुप, चुनाव की समितियां, अलग अलग कमेटियां, प्रदेश स्तर की कमेटियां, जिले से राय शुमारी, जिले से तमाम चीजें प्रदेश में ले जाना, फिर वहां से भेजना, कुछ नहीं है, सीधे तौर पर फैसले टिकट के ऊपर हो रहे हैं। आप सोचिए, जिनको चुनाव लड़ाना था वो खुद चुनाव मैदान में है। सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने के क्या मायने? हर नेता जो विधानसभा चुनाव में विधायक है वो डरा हुआ है कि क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं, कौन सा सर्वे किस तरह से कहां पे फिट बैठता है, उसी आधार पे भाजपा टिकट का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मृगेंद्र सिंह पिछली बार 28,413 वोट उनको मिले थे, बसपा में थे। देखिए, आईएमपी वर्मा वहां से 3 बार विधायक रहे हैं, और आपने ये अभी बताया कि जब जब जो विधायक रहा उसके अपोनेंट वाली गवर्नमेंट वहां, जैसे 18 में भी अगर देखा जाए तो विधायक सुखेंद्र सिंह मन्ना चुनाव हार गए थे लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई, हालांकि बाद में वहां पर परिस्थितियां बदली, सरकार गिरी और ये सब कुछ हुआ। तो अभी टिकट को लेकर कोई आश्वस्त मुझे नहीं लगता भाजपा में है, कोई भी प्रयोग हो सकता है, सर्वे देखे जाएंगे, हो सकता है कोई अगेंस्ट में बात हो सकता है सर्वे में कोई और नाम रखा गया हो, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो बदल सकते हैं। कास्ट इक्वेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखिए, कितना भी राजनीतिक दल, भाजपा कांग्रेस कुछ भी डिनाई करे, पर उनके लिए मैटर करता है कि जातिगत समीकरण किस तरह से बैठ रहा है। जैसे आप देखिए, एक एग्जाम्पल ही है कि गणेश सिंह सतना से लड़ रहे हैं, वहां पर जातिगत समीकरण तो किसी और इशारा कर रहा है कि जिले में अब दूसरे किसी मंत्री की भी बात होती है कि टिकट कट सकती है। यहां पर सबसे बड़ी चीज यह है कि अब जब मृगेंद्र सिंह भी भाजपा में है, प्रदीप पटेल भी भाजपा में है, तो अब पार्टी कोई भी डिसीजन ले सकती है। हो सकता है पार्टी जीतने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट कर जाए किसी भी तरह से, क्योंकि पिछली बार एक बहुत बड़ा फैक्टर यह था मृगेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने से कि सुखेंद्र सिंह को उसका नुकसान उठाना पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, आपने आईएमपी वर्मा की बात की, 1993 से 2003 तक वहाँ पे विधायक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी प्रभाव देखा जाता है। 2018 में भी जब मृगेंद्र सिंह चुनाव लड़े तो अच्छी खासी वोटें मिली, मतलब कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की जब हम बात करें तो क्या इसमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुजन का बहुत प्रभाव देखा जाता है? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि कैंडिडेट कौन है या किस तरह के। अमूमन 2,001,263 पुराना थोड़ा सा डेटा है, थोड़ा और अपडेट करते हैं अगर, तो इतने वोटर उस विधानसभा सीट में है जिसमें मान लीजिए कि 215,000 वोटर हैं। ब्राह्मण समुदाय से 80,000 लोग हैं वोटर, वोट कितने पड़ते हैं ये तो अमूमन देखा गया कि डेटा रहता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत मैटर करता है, कौन कहाँ पे है और वहाँ के मुद्दे क्या हैं। उसके बाद क्षत्रिय समुदाय के लगभग 14,000 वोट हैं, एसटीएससी यहाँ पे 53,000 हैं, पटेल 15,000 के आसपास हैं, कुशवाहा 9,000 हैं, मुस्लिम 5,000 हैं, वैश्य 4,500 हैं, और अन्य ओबीसी जो हैं जिसमें ओबीसी की अन्य जातियाँ हैं वो 29,000 के आसपास हैं। इस तरह से यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो कुछ इस तरह है कि संख्या जिनकी है वो प्रतिनिधित्व बहुत कम रहा, पहले एक समय अच्युतानंद जी विधायक थे वहाँ से, उसके बाद
समय दर समय चीजें बदलती गई, फिर आपने कहा जैसा बताया कि तीन तीन बार बसपा के वहां से विधायक रहे, इसलिए जैसे उदय प्रकाश भी वहां विधायक बहुत कम उम्र में बने थे, लेकिन इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुद्दों पर आधारित राजनीति, और सबसे बड़ी बात लीडर जो लड़ाकू होगा अमूमन मऊगंज में उसी तरह की परिस्थितियां बनती है। सुखेंद्र सिंह कांग्रेस की ओर से सिंगल नाम इसलिए है क्योंकि बहुत प्रोएक्टिव होके पूरी पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब कंटिन्यू पांचों साल उनके पास सिर्फ यही रहता है, तमाम जनता की समस्या सुनवाई, हर जगह पहुंचना, लोगों से कनेक्टिविटी। उनको खुद विश्वास नहीं होगा जब 2018 को वो चुनाव हार गए होंगे, 13 से 18 तक लगातार वो जितना एग्रेसिव होकर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन बाद में ऐसी चीजें निर्मित हो गई। लेकिन जिस तरह बहुजन खेल बिगाड़ रही है, या बीजेपी की कहें या कांग्रेस की, कांग्रेस को अगर पिछली बार हार मिली उसमें सबसे, अब उन्होंने सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी कहा कि इसमें बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा, चुनाव लड़ गए, तो खेल बिगाड़ने में, कांग्रेस के खेल बिगाड़ने में बीएसपी का आने 2023 में एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। ये इस सीट पे बिल्कुल इस तरह के समीकरण बनते हैं और पहले भी बनते रहे हैं। जैसे आप देखिए पिछले इलेक्शन में लक्ष्मण तिवारी निर्दलीय थे, 10,000 से ज्यादा वोट, 10,700 कुछ वोट उनको मऊगंज में मिले थे, तो वो भी एक फैक्टर तो था। लेकिन इस बार अगर बीएसपी कोई बहुत सॉलिड लीडर, कोई ऐसा नेता, देखिए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बसपा से कौन आएगा। अगर बसपा फिर से 20-25,000 क्रॉस कर रही है तो फिर चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी कांग्रेस के सामने में। लेकिन अगर कैंडिडेट बदल रहे हैं बीजेपी से, या फिर दूसरे किसी कैंडिडेट को उतार रहे हैं, मृगेंद्र सिंह को चुनाव लड़ रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, और इधर से सारी चीजें लगभग फिक्स हैं, तो हो सकता है कि उतने वेरिएशन देखने को नहीं मिले। सबके अलग अलग दावे हैं, बात इसकी करना जरूरी है कि मऊगंज किन मुद्दों पर वोट करेगा। चुनाव जातिगत आधार पर हर विधानसभा में जिस तरह से शिफ्ट होते हैं, उस बीच मऊगंज के तमाम बड़े मुद्दे, नया जिला बना है, लोगों को उम्मीद क्या है, रोजगार की उम्मीद है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद है, शिक्षा की उम्मीद है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की उम्मीद है, और एरा प्रथा जो सबसे ज्यादा व्याप्त है, तराई क्षेत्र है वहां भी मऊगंज में, पेयजल संकट, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं मऊगंज विधानसभा के। इन मुद्दों पर अगर जनता वोट करने जा रही है तो जनता बहुत कुछ सोच समझ के वोट करेगी कि कौन उनके लिए लड़ रहा, कौन किस तरह से काम कर रहा। अपराधों को लेकर मऊगंज हमेशा विवादों में रहा है, आपराधिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश से लगातार, आप देखिए कि जो ये नेक्सस है अवैध नशीली सिरप का, ये मऊगंज बेल्ट में किस तरह से फैला हुआ है, जिसके कारण नशेगत अपराध बहुत तेजी से बढ़े थे, इस दिशा में कितनी बात कैंडिडेट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मैटर है। जनता को ये समझना होगा कि आप जब जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं तो आप सिर्फ जात पात और इस आधार पर नहीं चुनने जा रहे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध, पेयजल संकट, आप जिन चीजों को लेकर 4 साल जूझ रहे हैं उसको आधार बना के अगर आप वोट कर रहे हैं, तो आप ये पहले क्लेरिफाई करिए कि आपका जनप्रतिनिधि कौन है, कौन इन मुद्दों की लड़ाई लड़ सकता है। देखिए अमूमन ये होता है कि जनता 4 साल, कई बार ये हुआ है अलग अलग सीटों में कि जनता 4 साल बेवकूफ बन जाती है, हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन लेते हैं या ऐसे लोगों का सिलेक्शन करते हैं जिनसे बहुत उम्मीद रहती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं एक्चुअली मऊगंज के, रोजगार के लिए कौन सा एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सी इंडस्ट्री आई, कौन सा उद्योग लगेगा, नया जिला बनने जा रहा उसमें क्या कुछ होगा, अपराध एक बहुत बड़ा मसला है, इसकी निजात के लिए क्या कुछ होगा, कलेक्टर एसपी अब सब मऊगंज बैठेंगे, पहले तो रीवा की भाग दौड़ थी, तो जिला बनने के बाद उम्मीदें बहुत बढ़ी हैं, और मऊगंज उसी हिसाब से अगर फैसला करेगा वो विधानसभा सीट, तो शायद उसके लिए भी बेहतर होगा। अपने तमाम विकास के मुद्दों की बात की, मऊगंज जिला बनने के बाद लोगों के यहाँ से निकल के बात ये आती है, तमाम बातें ये आती है कि वो डेवलपमेंट क्या जो रीवा से अलग होकर मऊगंज बना, क्या वो डेवलपमेंट जो रीवा में हुआ वो हो पाएगा, वो विकास के मुद्दे क्या वहाँ पे सक्रिय हो पाएंगे। देखिए समय बहुत लगेगा, वो देखिए होता ये है कि अमूमन एक जिला बना देना, घोषणा कर देना और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात कर देने बस से विकास नहीं हो जाता, ये पूरा प्लान सामने रखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और जनप्रतिनिधियों को भी उतना ही इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि देखिए इतने पहाड़ी अंचल हैं, पेयजल संकट एक बड़ा मसला है, पानी को एयरलिफ्ट करके मऊगंज लाने की कवायद काम चल रहा है, बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, शिक्षा स्वास्थ्य इन दो चीज़ों पर कितना काम होगा, लेकिन अभी वर्तमान में ये देखने को मिला कि कलेक्टर मऊगंज बहुत एक्टिवली अलग अलग लोगों से, जनप्रतिनिधियों से संवाद करके और एक मुहिम
शुरू की है उन्होंने कि किसी भी तरह से तमाम वो चीज़ें की जाएं कि लोगों का पहले ये विश्वास बने और धीरे धीरे लोगों से कोऑर्डिनेट करके जिले की विकास की गाथा, जिले को किस तरह से विकास के रास्तों पर ले जाना है, किस तरह डेवलपमेंट करना है, वो तमाम चीज़ें कर पाए। बीजेपी इस बार मऊगंज विधानसभा जिले के मुद्दे पर लड़ेगी, ये क्योंकि उसने जिला घोषित किया और तमाम योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन योजनाओं से लड़ पाना मऊगंज विधानसभा में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। चुनौती बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जिला बन गया है, जिला बनने का क्रेडिट भाजपा लेगी, कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि उन्होंने संघर्ष किया, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन घोषणा भाजपा के समय हुई, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके अगेंस्ट में किस तरह की चीज़ें कांग्रेस कर रही है, ये भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, लाडली बहना स्कीम हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है, लेकिन वहां पर सुखेंद्र सिंह ने तकरीबन 60-65 हज़ार फॉर्म नारी सम्मान के भरवाए, उनकी मैन टू मैन मार्किंग बहुत अच्छी है, लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी है, और वहां वो अकेले दावेदार है एक तरह से देखा जाए, कोई और नहीं, लगभग औपचारिकता मात्र है, टिकट घोषित हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में चुनौतियां तो हैं, लेकिन जब वो लगातार 4 साल काम कर रहे हैं तो उनको ये भी लग रहा होगा कि इन चुनौतियों से लड़कर आगे निकला जा सकता है। समय क्या होगा, परिणाम क्या आएंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये लगता है कि एक क्लोज फाइट होगी, किसको इसका बेनिफिट मिलता है, किस तरह से होता है, लेकिन अभी बीजेपी के टिकट पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किसको चुनाव मैदान में उतारते हैं। तो तमाम मुद्दे हैं, मऊगंज जिला बना, नया जिला बना, उसके बाद अब विधानसभा के 2023 के चुनाव बहुत नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिला बनाने के मुद्दे पर इस बार विधानसभा के चुनाव वहां लड़ेगी, लेकिन तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दे, क्योंकि नया जिला बना है, नई उम्मीदें हैं, किस तरह के परिणाम होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए तमाम अपडेट के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।